अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग की बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर डिमांड है। लोग बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, आपको बहुत ही अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह का कंटेंट के ऊपर यूके या यूएसए अकाउंट बनाते हैं और इससे आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर वीडियो के ऊपर 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, आप देख सकते हैं 4 लाख, इस तरह से व्यूज आ रहे हैं। ये वाला कंटेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी तीनों वीडियो फॉर यू के ऊपर गई है, 2 लाख, 7 लाख और 4 लाख के करीब। जैसा कि नीचे आते हैं, आपको मिल जाता है 2 लाख, 8 लाख के करीब, 9 लाख। जैसा कि आपके सामने ही है, ये नहीं है कि कोई स्क्रीन शॉट आपको चेक करवा रहा हूँ। तो इस तरह के कंटेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग, इस तरह के लेवल, इस तरह की PNGs आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको जाके वॉच कर लें, या आप इस तरह की 3 वीडियो मेरी वॉच कर लें। इसके अंदर A to Z आपको सभी कुछ बताया जाता है कि आप इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बंदा टिकटॉक पे लगा रहा है, फोटोज लगा रहा है और बहुत ही अच्छे इसके फॉलोअर है, 8 लाख के करीब इसके फॉलोअर है और 20 मिलियन से ज़्यादा इसके लाइक्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर। अगर आप भी इस तरह की वीडियोज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो जैसा कि जहाँ से मैंने कोई भी वीडियो बनानी है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि ये मेरे सामने आ गई है, ये वीडियो आ गई है, तो मैंने अब करना क्या है, तो मैंने इसका लिरिक्स कॉपी कर लेना है। तो सबसे पहले आपने इसको ऐड टू फेवरेट कर लेना है, इसकी म्यूज़िक को। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से अपना ये टेक्स्ट लिख लेना है, जैसे कि लिखा हुआ है, अल्लाह करे जुमे का दिन है, दुआ कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह से लिख लेना है। तो मैंने जहाँ से आ जाना है, अपने कीबोर्ड के अंदर उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है, जहाँ से मैंने लिख लेना है अपना लिरिक्स, अल्लाह करे जुमे का दिन, आपने इस तरह से दिन है, मैं दवा कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह से लिख लेना है, जैसे कि मैंने ये लिख लिया। उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने इसको कर लेना है, यहाँ से कट कॉपी कर लें या कट कर लें। उसके बाद ये आपके कीबोर्ड के अंदर सेव हो जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास सेव भी है। तो अगर आपको कीबोर्ड के अंदर इस तरह के आपने लिरिक्स सेव करना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो कम्प्लीटली पड़ी हुई है, आप उसको जाकर वॉच कर लें, तो आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएगी, तो आप इस तरह से सेव कर लेंगे। उसके बाद बैक करना है, बैक करने के बाद आपने इंशूट ऐप को ओपन करना है। इंशूट ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इंशूट ऐप का कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जहाँ से आपने कोई भी फ़ोटो या वीडियो ले लेनी है, जिसके ऊपर आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ब्लिंक वाले को ऊपर सबसे फर्स्ट वाले को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने जहाँ से कन्वेक्स के ऊपर आकर जहाँ से इसका साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जिस साइज़ के अंदर आप बना रहे हैं, जैसे कि मैं 3-4 वाला साइज़ के अंदर बना रहा हूँ। 3-4 वाला साइज़ सिलेक्ट करने के बाद से आपने बैकग्राउंड के ऊपर आना है, जहाँ से आपने फ़ोटोज़ के ऊपर आ जाना है। अपनी गैलरी में ऐसे इस तरह से ये फ़ोटो ले लेनी है। आपने कहना ये तो ब्लर हो गई है, भाई आपको मैं सभी कुछ बताता हूँ आपने इसको अनब्लर कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ से अनब्लर हो जाएगी। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, तो जहाँ से PIP का ऑप्शन आ जाएगा। PIP के ऑप्शन पे आने के बाद आपको एक लेवल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने उसको ऐड कर लेना है। तो ये काफ़ी लेवल के ऊपर बनाई हुई है, मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, तो आज की वीडियो मैं इस लेवल के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये आपको लेवल भी मिल जाएगा, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे बायो के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आपने उसके बाद आपने यहाँ टैक्स के ऊपर आ जाना है। टैक्स के ऊपर आने के बाद आपने जो भी लिरिक्स कॉपी किया आपने उसको ऐड कर लेना है। कलर के ऊपर आ जाना है, कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं।
तो मैं जहाँ से वाइट ही ब्लैक के ऊपर ज़्यादा वाइट ही चल रहा है। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट के ऊपर, जहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। काफ़ी फ़ॉन्ट भी आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है। जहाँ से ज़्यादातर जमील नूरी वाला ही ऐड हो रहा है फ़ॉन्ट, तो जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट ऐड कर लेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, आपने फिंगर की मदद से जूम और जूम इन कर लेना है जितना आप रखना चाहें। उसके बाद आपने जहाँ से लेवल के ऊपर एडजस्ट कर देना है, इसको सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद बैक आना है, बैक आने के बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से इमोजीज के ऊपर आ जाना है। तो इमोजीज आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो जहाँ से मैं 3 इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से 3 इमोजी सेलेक्ट कर लें, फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाएं। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद जहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को ऐड कर लें, तो आईफोन फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जूम कम करना है। जूम कम करने के बाद इसको ऐड कर देना है अपनी ये इस तरह से। आपकी फ़ोटो बनकर तैयार हो गई है, तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट आपकी गैलरी के अंदर हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद आपने अपनी फिर से टिकटॉक को ओपन कर लेना है। टिकटॉक को हमने ओपन कर लिया है, जैसे कि आपके सामने टिकटॉक हमारी ओपन हो जाएगी। अगर आपने वहाँ से बैक किया है तो आपकी वही वीडियो आ जाएगी जिसके ऊपर आपने कॉपी टेक्स्ट करना है। तो जैसा कि मैं जहाँ से अपनी वो कर लेता हूँ, जहाँ मैंने फेवरेट की होगी ऑडियो, तो मैंने उसको ऐड कर लेना है। तो जहाँ से मैं क्लिक करता हूँ प्लस के अकाउंट पे, प्लस के अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जहाँ से मैंने अपनी वही फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो अभी अभी मैंने ऐड की है, बनाई है। तो फ़ोटो लेने के बाद आपने करना क्या है, ऊपर आ जाना है। आपको ऊपर लोडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ आप जहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऐड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करें। जो आपने अभी अभी म्यूज़िक फेवरेट किया होगा, तो आपने फेवरेट सबसे पहले कर लेना है, तो आपने वही म्यूज़िक को ऐड कर देना है। जैसा कि ये म्यूज़िक मैं अपना वही ले लेता हूँ, म्यूज़िक मेरा 30 सेकंड तक है, तो मैं इसको वीडियो को यहाँ से फ़ोटो को खींच कर 30 सेकंड तक ले जाऊँगा। जितना मेरे 30 सेकंड हो जाएंगे वहाँ से आगे से सेपरेट कर दूँगा। सेपरेट करने के बाद सेव कर दूँगा, नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊँगा। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद जहाँ से आपने ऊपर लिख देना है, जैसा कि जहाँ से वही टेक्स्ट लिख देना है, नीचे आएंगे तो जहाँ से आपने कोई भी अपने वो लगा देने हैं, हैशटैग वगैरह लगा कर अपना, जहाँ से लगा कर आप इसको पोस्ट कर दें अपनी टिकटॉक आईडी पे। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन के अंदर 3 से 4 वीडियो अपलोड करें, 2 सुबह करें, 2 दोपहर, 2 रात को करें, इंशाल्लाह आपका एक वीक के अंदर ही आपका चैनल टिकटॉक अकाउंट ग्रो हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके 10,000 फॉलोवर एक वीक के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मेरे कहने के ऊपर एक वीक इस वीडियो के ऊपर काम करें, जितनी वीडियो आप डेली के अंदर अपलोड कर सकते हैं तो करें, इंशाल्लाह आपके जल्दी हो जाएंगे 10,000 फॉलोवर। अगर आई होप आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।